गुड मॉर्निंग एट्थ क्लास, टुडे वी विल कंटिन्यू एक्सरसाइज 8.4। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग बाइनोमियल्स। बाइनोमियल्स का मीनिंग क्या है? दो टर्म्स। ठीक है, यहाँ पे दो टर्म्स का हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है। कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे? सेवन्थ का फर्स्ट पार्ट, 3x + y × 3x + y। ब्रैकेट में ये टर्म्स बिल्कुल सेम है, आप इसको लिख सकते हैं 3x + y² होल स्क्वायर। नाउ वी विल यूज़ फॉर्मूला ऑफ a + b होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ प्लस का साइन है और होल स्क्वायर है, आपको ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करनी है। आइडेंटिटी को यूज़ करने के लिए आप 3x + y क्वेश्चन को लिखेंगे, स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अगर आप आइडेंटिटी यूज़ करते हैं, ए स्क्वायर का मीनिंग है यहाँ पर ये a है एंड दिस इज b। ए स्क्वायर मीन्स 3x² फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 × a मीन्स फर्स्ट टर्म डेट इज 3x × y प्लस b² बी यहाँ पे सेकेंड टर्म है डेट इज by। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 का स्क्वायर क्या होगा? 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर फाइंड करेंगे तो x² आएगा प्लस सेकेंड टर्म में जो नंबर्स हैं इनको मल्टीप्लाई करना है, 2 × 3 = 6, x × y = xy, मल्टीप्लाई का साइन हट जाएगा, प्लस y² ये एज इट इज़ आएगा। ये आपका फाइनल आंसर है, ऐसे आपको ये सॉल्व करना है। इसके बाद सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट आप होमवर्क में करेंगे। फिफ्थ पार्ट देखिए, एक माइनस वाला हम देखते हैं, 2x - 3y × 2x - 3y, एक जैसी टर्म्स हैं, ये बिल्कुल सेम है, आप इनको होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं, 2x - 3y होल स्क्वायर। यहाँ माइनस साइन है, होल स्क्वायर है, आप ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, a - b होल स्क्वायर = a² - 2ab + b². अब यहाँ लिखो 2x - 3y होल स्क्वायर। ए का वैल्यू यहाँ 2x है एंड बी का वैल्यू कंपेयर करेंगे 3y। नाउ अप्लाई दिस आइडेंटिटी, a² डेट मीन्स 2x² - 2, मल्टीप्लाई का साइन आएगा, 2 × 1st term × 2nd term प्लस 2nd term² नाउ 2² व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 2² 4 x² एज इट इज़ रहेगा, माइनस नंबर्स को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 2 × 3, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, 12x × y xy प्लस 3 का स्क्वायर यहाँ क्या आएगा 9 एंड y² = y². ये आपका फाइनल आंसर है, बाकी पार्ट्स आप खुद सॉल्व करेंगे। आपको इसमें सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स्थ पार्ट होमवर्क में करना है। मैंने आपको यहाँ फर्स्ट एंड फिफ्थ पार्ट एक्सप्लेन किया है, सेम ऐसे ही बाकी पार्ट्स आप सॉल्व करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, सिंप्लीफाई फर्स्ट पार्ट, 3x + 7y होल स्क्वायर। ये हमें ऑलरेडी स्क्वायर के फॉर्म में गिवन है, आइडेंटिटी यूज़ करके आपको ये सॉल्व करना है। कौन सी आइडेंटिटी यूज़ होगी इसमें? फर्स्ट आइडेंटिटी आप यूज़ करेंगे, प्लस का साइन है, होल स्क्वायर है, ये वाली आइडेंटिटी आपको यूज़ करनी है। आप आइडेंटिटी लिखेंगे, इसके बाद कैसे सॉल्व करना है, जैसे आपने सेवन्थ क्वेश्चन किया, फर्स्ट टर्म 3x है, इसका स्क्वायर प्लस 2 × 1st term डेट इज 3x × 7y प्लस b² यहाँ क्या है, b क्या है 7y, यानी 7y का स्क्वायर। अब सॉल्व कीजिए, 3 का स्क्वायर क्या आएगा, 3² की वैल्यू होती है 9, x² की वैल्यू x² ही रहेगी, प्लस यहाँ नंबर्स को मल्टीप्लाई कीजिए, 2 × 3 = 6, 6 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42, x × y = xy प्लस 7² = 49, y² एज इट इज़ आएगा। ऐसे आपको ये सॉल्व करना है, ये आपका फाइनल आंसर है। अब एट्थ का मैंने आपको फर्स्ट पार्ट करवाया है, सेकंड एंड थर्ड पार्ट आप होमवर्क में करेंगे, बिल्कुल सेम है। यहाँ आप माइनस वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, यहाँ पे प्लस आइडेंटिटी यूज़ करनी है।
फोर्थ पार्ट देखिए, 5x माइनस 7y होल स्क्वायर, माइनस का साइन है इसलिए माइनस वाली आइडेंटिटी यूज़ करनी है। यहाँ हम क्या लिखेंगे, 5x माइनस 7y होल स्क्वायर। एट का फोर्थ पार्ट, फर्स्ट टर्म 5x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म लिखेंगे इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। आइडेंटिटी को अगर आप फॉलो करते हैं तो आइडेंटिटी में क्या है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर है यहाँ, फिर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म है प्लस फिर सेकेंड टर्म का स्क्वायर है, उसके अकॉर्डिंग ही हम ये सॉल्व करेंगे, ये आपका आंसर आएगा। सेम ऐसे ही आपको सॉल्व करने हैं बाकी क्वेश्चंस। अब एट्थ का सिक्स पार्ट देखिए, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। प्लस वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, प्लस होल स्क्वायर फार्मूला आपको लिखना है, फिर आप ये जो हमें वैल्यू गिवन है वो लिखेंगे और ये फार्मूला अप्लाई करना है। फार्मूले के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट टर्म है उसका हमें स्क्वायर लेना है, डैट इज़ एक्स वाई का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। ये हमारी फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। अब x का पहले हम इसका देखेंगे, x का स्क्वायर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, देन y का स्क्वायर वाई स्क्वायर, प्लस नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 2 4, एक मल्टीप्लाई का साइन हट जाएगा, एक्स वाई एज इट इज़ आएगा, 2 का स्क्वायर 4, ये आपका फाइनल आंसर है। एट का सेवन्थ पार्ट, एक्स वाई माइनस 3 होल स्क्वायर, माइनस साइन है, माइनस वाली आइडेंटिटी यूज़ करनी है, ये आप एज इट इज़ लिखेंगे क्वेश्चन को। फर्स्ट टर्म यहाँ एक्स वाई है, सेकेंड टर्म यहाँ 3 है, फर्स्ट टर्म का आपको लिखना है, उसका स्क्वायर लेना है, माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, ये आपका फाइनल आंसर है। इसमें एट्थ में आप एट्थ एंड नाइन्थ पार्ट होमवर्क में करेंगे। इसके बाद नाइन्थ देखिए, सिंप्लीफाई। नाइन्थ का मैं आपको फर्स्ट फोर्थ एंड सेवन्थ पार्ट आपको यहीं कराऊँगी, बाकी पार्ट्स आप होमवर्क में करेंगे। एक्स प्लस 1/3 होल स्क्वायर, अब यहाँ प्लस का साइन है, होल स्क्वायर है, प्लस वाली आइडेंटिटी आप यूज़ करेंगे। अब उसको यूज़ कैसे करना है, यहाँ पर ये फ्रैक्शन वाली वैल्यूज़ हैं 1/3। अगर आप ये फार्मूला यूज़ करते हैं तो फार्मूले के अकॉर्डिंग आपको फर्स्ट टर्म का स्क्वायर लेना है, प्लस 2 आएगा इंटू ए का मीनिंग है यहाँ फर्स्ट टर्म, देन बी के प्लेस में आप लिखेंगे सेकेंड टर्म 1/3, प्लस बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर को अगर आप कंपेयर करें, बी का वैल्यू क्या है 1/3, बी स्क्वायर मीन्स 1/3 का स्क्वायर। सॉल्व कीजिए, एक्स स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर 2 इंटू 1/3, 2 को आप 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू आएगी 3, मल्टीप्लाई का साइन हट जाएगा और एक्स एज इट इज़ आएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा, 3 का स्क्वायर 9, दोनों की आपको स्क्वायर वैल्यू फाइंड करनी है। 1 का स्क्वायर जो है 1 होता है, देन 3 का स्क्वायर 9, तो डिनोमिनेटर में 9 आएगा, ये आपका फाइनल आंसर है। नाइन्थ का फोर्थ पार्ट देखिए, अभी यहाँ पे हमें इसको पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स प्लस 2 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 आएगा और उसमें ये 1 ऐड करेंगे तो वैल्यू मिलेगी 3, अपॉन में 2 है तो वो डिनोमिनेटर एज इट इज़ रहेगा। इसको सिंप्लीफाई करके हमें वैल्यू मिलेगी 3/2। अब इस पे आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एक्स प्लस 3/2 होल स्क्वायर, डैट मीन्स फर्स्ट टर्म यहाँ पे एक्स है, सेकेंड टर्म 3/2 है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, एक्स का स्क्वायर फाइंड करेंगे वो एक्स स्क्वायर ही आएगा। अब यहाँ पे देखो 2 यहाँ न्यूमरेटर में है और ये 2 डिनोमिनेटर में, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 वन सा 2, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू क्या आएगी 3, मल्टीप्लाई के साइन हट जाएंगे और कौन सी वैल्यू यहाँ बच गई, एक्स, तो एक्स यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ पे न्यूमरेटर में 3 है, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, अपॉन में 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, ये आपका फाइनल आंसर है। इसके बाद नाइन्थ का सेवन्थ पार्ट देखिए, 4x माइनस 1/2 वाई स्क्वायर, माइनस साइन है, माइनस वाला फॉर्मूला यूज़ करना है,
ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर का मीनिंग है 4x का स्क्वायर, माइनस 2 इंटू ए यहाँ पे 4x है, बी यहाँ पे 1 बाई टू वाई, प्लस बी स्क्वायर का मीनिंग है 1 बाई टू वाई यानी सेकेंड टर्म का स्क्वायर। सॉल्व कीजिए, 4 का स्क्वायर अगर आप फाइंड करते हैं, 4 का स्क्वायर 16, x का स्क्वायर क्या होगा x स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो ऊपर नीचे कोई टर्म कैंसिल होती है तो कैंसिल कर सकते हैं, 2 वन ज़ा 2, 1 इंटू 4 इंटू 1, 1 को यहाँ वैल्यू क्या आएगी 4, मल्टीप्लाई का साइन हट जाएगा, उसके बाद आप वेरिएबल्स लिखेंगे, वेरिएबल्स यहाँ पे x इंटू वाई एक्स वाई, प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 आएगा, देन 2 का स्क्वायर 4, ब्रैकेट में जो भी टर्म्स हैं उनके स्क्वायर फाइंड करने हैं, y का स्क्वायर y स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर है। आप इसके बाकी पार्ट्स होमवर्क में करेंगे, ये आपको होमवर्क में सॉल्व करना है, 7th का सेकंड, 3rd, 4th एंड 6th पार्ट, 8th का सेकंड, 3rd, 5th, 8th एंड 9th, क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड, 3rd, 5th एंड 6th, ये आप होमवर्क में सॉल्व करेंगे।